हम लोग सोनभद्र के उम्भा गांव में जहां 17 तारीख को नरसंहार हुआ था, 10 लोगों की जान ली गई थी और 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, जो जहां अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। मैं उन परिवारों के बीच में हूं जिनके परिवारों से जान गई है, जैसे इनके फादर रामचंद्र जी की जो है हत्या हुई है, इनके भी फादर की जो है हत्या हुई है, और जो और हमारे बीच बहने बैठी है इनके परिवारों की में जो है कुछ लोग घायल हैं, कुछ लोगों की हत्या हुई है। सब लोग 30 से 40 45 साल की उम्र के बीच के लोग हैं। कार्रवाई के नाम पे सरकार अब ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन एक झूठी खबर जो चला जा रही है वो ये है कि दोनों तरफ से जो है फायरिंग हुई है, लेकिन मैंने जब आके यहाँ चेक किया तो यहाँ किसी के पास कोई असलाह है ही नहीं, हमारे लोगों के पास ना कोई लाइसेंस है ना कोई असलाह। तो ये झूठी खबरें फैलाई जा रही है कि मामले को डाइवर्ट किया जाए। मैं खुद यहाँ, मुझे आने के लिए जो मोटरसाइकिल का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि पुलिस में मुझे वहां पहुंचने नहीं देगी, और मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने लोगों के बीच जाके असलियत जो है वास्तविकता उसको जान लूं। हम इनकी मदद करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है ये। हम इस पूरे मामले को भीम आर्मी जो है ये केस लड़ेगी और अपराधियों को जो है सजा दिलाने का काम करेगी। लेकिन ये भी सच है 300 लोग आए थे, 28 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके असले कहाँ हैं, उनके असले जब्त हुए या नहीं हुए, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए गए नहीं किए गए, वो जो जिस ट्रैक्टर ट्रॉली में आए थे वो अब तक जो है, क्योंकि अपराध में उनके भी भागीदारी थी, उनको पुलिस ने कब्जा या नहीं कब्जा, ये सब सोचने की बात है। लेकिन एक और जरूरी बात कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं, जो लोग प्रशासन से या अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनको भी डराया जा रहा है कि ये कह के कि आप लोग पुलिस ही आपको कब तक सुरक्षा देगी। तो सरकार इस चीज को जान ले कि जो लोग न्याय आवाज उठा रहे हैं हम उन सब लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन सरकार किसी को दबाव नहीं बना सकती है और ना ही प्रशासन किस पर दबाव बना सकता। अब इस पीड़ित परिवार को, ये जो पूरा गांव का जो पीड़ित परिवार, इनको न्याय मिलेगा और मेरी मांग है कि सरकार इनको सुरक्षा दे, क्योंकि सरकार बहुत दावे करती है, हमारे लोगों के मरने के बाद सरकार कहीं से निकल के आती है। तो मेरी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रशासन जो है लाइसेंस मुहैया कराए हम लोगों को, हमारे लोगों को हथियार रखने चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, और क्योंकि अगर इनका जीवन रहेगा तभी तो अपने परिवार को संभाल पाएंगे। अभी हालात बहुत खराब है, छोटे छोटे बच्चे, किसी के 2 बच्चे, किसी 4 बच्चे हैं, क्या होने वाला है, इनकी पढ़ाई कैसे होगी, इनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारे मुद्दे जिन पर काम करना है। तो अभी हम इस पर कार्रवाई के लिए जो है इसको रणनीति बनाएंगे।